والعنة الحي على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات الله मोहतरम मोहतरम सामीन आगाज कराम से पहले गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हज और तीन मरतबा सूरह कुलवला की तिलावत फरमा कर मंजूर हुसैन इब्ने हैदर हुसैन तनवीर अब्बास इब्ने मंजूर हुसैन सफदरी बेगम बिनते अमीर हुसैन इन सारे मौसूमिन को इस फातिहे का सवाब दिया। आयत के जरिए परवरदिगार हमसे और आप सबसे एक सवाल, क्या वो लोग के जिनके पास इल्म है और वो लोग के जिनके पास इल्म नहीं है बराबर हैं? देखिए, सवाल करने वाला कोई भी हो, सवाल किसी से भी किया जा रहा हो, दो नौयतें ऐसी हैं जिनमें किसी एक नौयत का हर सवाल के साथ होना जरूरी है। या तो सवाल करने वाला सवाल के जरिए अपने इल्म में इजाफा चाहता है, या फिर सवाल करने वाला सवाल के जरिए मुखातब के इल्म में इजाफा चाहता है। अगर सवाल करने वाला महदूद इल्म का मालिक है तो ज्यादा इम्कान है कि उसका सवाल अपने इल्म के इजाफे के, लेकिन अगर सवाल करने वाला लामहदूद इल्म का मालिक हो तो फिर उसका सवाल कभी अपने इल्म में इजाफे के लिए नहीं होता, मुखातब के इल्म में होता है। क्या साहिबान इल्म और जिनके पास इल्म नहीं है वो बराबर हैं? ये सवाल अगर किसी मुल्ला का तो हम सोच सकते थे कि से खुद नहीं मालूम चाहे कि साहिबान इल्म का मकाम क्या है और जिनके पास इल्म नहीं है उनका दर्जा क्या है, इसलिए सवाल कर रहा है। लेकिन सवाल करने वाला वो अल्लाह है जिससे बड़ा कोई हलीम नहीं, जिससे ज्यादा कोई खबीर नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर अल्लाह सवाल कर रहा है तो अपने इल्म इजाफे के लिए नहीं, जिनसे सवाल किया जा रहा है उनके इल्म इजाफे के लिए। गोया परवरदिगार इस सवाल के जरिए दुनिया वालों को ये बताना चाहता है कि जिन लोगों के पास इल्म है उनका मकाम अलग है और जिनके पास इल्म नहीं है उनका दर्जा अलग है। देखिए, एक लफ्ज है आलिम, मगर सवाल यह है कि आलिम कैसे किसे? लिबास से कोई आलिम नहीं होता, जैसे गधे को शेर की खाल उड़ा देने से गधा शेर नहीं होता, अब इन आलिम कहते किसे हैं ये हमारे नबी ने बताया। पैगंबर इस्लाम की हदीस मुबारका है, नबी ने फरमाया कि तीन उलूम का हासिल करना वाजिब है, इल्म कुरान,
इल्म हदीस, इल्म फिका, और इन तीन उलूम में से एक इल्म भी अगर किसी के पास है तो आलिम है। इल्म कुरान है तो आलिम है, इल्म हदीस है तो आलिम है, इल्म फिका है तो आलिम है। अब नबी तो कह के चला गया कि तीन उलूम का हासिल करना वाजिब है, जिनमें पहला इल्म कुरान है। अब सवाल यह है कि ये इल्म कुरान हमें मिलेगा कहां? दुनिया के किसी इंसान की लिखी हुई किताब होती तो हम उसके सामने पहुंचते, तय करके हाथ जोड़ के उससे गुजारिश करते कि आपने जो कुछ इसमें बयान किया हमें समझा दिया। मगर कुरान है अल्लाह का कलाम। अब अल्लाह के कलाम का मफहूम हमें समझाएगा कौन? देखिए, किसी के कलाम को समझने के सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो जिसका कलाम है वो बता दे, या अगर साहब कलाम ने किसी और को बता रखा हो तो वो बता दे। नबी ने कुरान का इल्म दिया है वाजिब, तो ये पहले ही तरीके पर अमल करके देख लेते हैं, चल के डायरेक्ट अल्लाह से पूछ लेते हैं कि तूने इस किताब में क्या क्या लिख दिया, आप तैयार हैं हमारे साथ अल्लाह क्या करने के लिए? लेकिन सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा इसलिए छा गया कि हम आपको मौत की दावत देते हैं, अल्लाह के यहां से जाके लौटा कौन? आप कहेंगे मौलाना हमने आपको मस्जिद बुलवा पढ़ने के लिए बुलाया है, अपने को मरवाने के लिए नहीं बुलाया। अल्लाह के यहां से जाके आज तक कोई लौटा हो तो बताइए। इसका मतलब डायरेक्ट है अल्लाह से इनमें कुरान नहीं लिया जाता। तो अब फिर दूसरा तरीका है कि अगर अल्लाह ने किसी को इल्म कुरान दे दिया हो तो उससे चल के पूछ। मगर मुश्किल ये है कि अल्लाह से इल्म कलाम कुरान लेगा तो इलाही जलवों को बर्दाश्त करने की ताकत मूसा तक के में नहीं है। नहीं पहुंचा जाए ना आपका, मूसा को एक दूर पक गए थे, बिजली चमकी, कौम डर के खाक हो गई, मूसा बेहोश हो गए। नबी थे मरे नहीं, लेकिन बेहोश तो हो गए। तो इलाही जलवों को बर्दाश्त करने की ताकत जब मूसा जैसे नबी भी नहीं है तो अल्लाह इनमें कुरान देगा किसी कोई है जो इलाही जलवों को बर्दाश्त कर सके? बोलिए, नहीं है। मगर कुरान कहता है कि है। पढ़िए सूरह रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लमा कुरान, खलकल इंसान, अल्लमहुल बयान। अल्लमा कुरान, अल्लाह कह रहा हमने कुरान पढ़ाया। तो जब अल्लाह दावा कर रहा है कि हमने कुरान पढ़ाया है तो पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं। अल्लाह उस्ताद है, अपनी उस्तादी का जिक्र कर रहा है तो उस्ताद बगैर शागिर्द के नहीं होता। कोई तो है जिसे अल्लाह ने पढ़ाया, कोई तो है जिसे अल्लाह ने पढ़ाया है, वरना वो अल्लामा कुरान न कहता। अभी अल्लाह का पढ़ाया हम कहां ढूंढने जाएं? अब मेरठ में मुसलमानों की आबादी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, एक एक मुसलमान से पकड़ के पूछे तुम में से किसी को अल्लाह ने पढ़ा के भेजा? हर मुसलमान के सिर्फ तीन जवाब होंगे, हमने फला हाफिज जी से पढ़ा, हमने फला कारी जी से पढ़ा, हमने फला मौलवी साहब से पढ़ा, चौथा कोई जवाब नहीं। पूरी दुनिया के मुसलमानों से पूछे यही जवाब मिलेगा। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो दुनिया में सबसे बड़े मुसलमान सऊदी अरब के हैं। आप सऊदीया वालों से पूछिए तुम्हें अल्लाह ने पढ़ाया, तो उनका भी जवाब यही होगा, हमने फला मौलवी से, हमने फला हाफिज से, हमने फला तारीख से पढ़ाया। तो पूरी दुनिया में आपने पूछ लिया कोई अल्लाह का पढ़ाया नहीं, और अल्लाह कह रहा अल्लामा कुरान, हमने कुरान पढ़ाया। तो जब दुनिया में कोई ना मिलेगा तो आप कहां ढूंढिए? पांच मिनट सब्र कर लीजिए, अगर नतीजे बदलो थोड़ा आया तो मेरा जिम्मा। जब दुनिया में कोई ना मिला तो हमने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ो,
ये दुनिया वाले जो है इनसे जो बलंद लोग उनमें ढूंढ लो। तो सवाल आया कि ये दुनिया वालों में बलंद कौन लोग हैं। हमने कहा चार इमाम, 12 नहीं। अगर 12 इमामों की बात करोगे दुनिया कहेगा देखा कितना चालाक मौलवी है, अपने मसले को अपने ही अकीदे से हल कर। तो ये मुसलमान जिन्हें इमाम मानते हैं उनसे पूछ के देखे चार इमाम भी नहीं कर रहे। अब अल्लाह का पढ़ाया कहा मिलेगा। हमने कहा एक कदम और आगे बढ़ जाइए, इन इमामों से बड़े जो लोग हमसे पूछ लीजिए। दुनिया का सवाल है इन इमामों से बड़ा कौन है। हमने कहा 1,24,000 अंबिया इन इमामों से बड़े, इनमें से पूछिए देखिए शायद कोई अल्लाह का पढ़ाया मिल जाए। मगर भाइयों बड़ी मुश्किल है, ये अंबिया है 1,24,000, एक एक से पूछने चले अगर हम तो अगले साल से 1900 आ जाए। और हमको जो कुछ पढ़ना इसी घंटे सवा घंटे के अंदर, अब तो आप समझ लीजिए ना कि हम ज्यादा देर नहीं सताएंगे। तो फिर सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। हमने कहा इतने सारे नबियों में से एक एक से पूछने की कोई जरूरत नहीं। इन नबियों में एक नबी ऐसा है जो सारे नबियों का नबी है, जो तखलीक कायनात का सबब है, जो अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग बंदा है खुदा है। जाहिर से बात है अल्लाह से पढ़ने का सबसे ज्यादा हक इसी को है। अल्लाह से सबसे ज्यादा पढ़ने का हक इसी को है। तो चलिए मदीना चलते हैं, सरकार मदीना की चौखट पर उन्हें आवाज देकर उनसे पूछ लेते हैं, ए अल्लाह के रसूल क्या आपको अल्लाह ने कुरान पढ़ाया? बहुत तवज्जो दीजिएगा। हमने रसूल को आवाज दी, हमने उनसे सवाल किया जरा बताइए क्या आप अल्लाह के पढ़ा रहे हैं? नबी के जवाब आने नहीं पाया, देवबंद से जवाब आया ये तो जिब्रील के पढ़ाए हैं। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। देवबंदियों का यही कहना है कि रसूलुल्लाह को कुरान जिब्रील ने पढ़ा। लीजिए कायनात में सबसे अजीम बंदा था उसी से हमारी आखिरी उम्मीद आवाबा बनता थी कि शायद यही अल्लाह का पढ़ाया हो। तो देवबंदियों ने उसका भी उत्साह ढूंढा, ये जिब्रील के पढ़ाए हुए। हमने कहा भी एक रास्ता है, जिब्रील ने रसूलुल्लाह को पढ़ाया तो हो सकता है जिब्रील को अल्लाह ने पढ़ा दिया। जिसके पास इल्म नहीं वो नहीं समझेगा। अब मुझे देखना यहाँ कितने पढ़े। जिब्रील अल्लामा कुरान का मिलकार नहीं हो सकता, क्यों? इसलिए कि ये आयत है सूरह रहमान की, और सूरह रहमान में शुरू से आखिर तक अल्लाह का खिताब या इंसानों से है या जिनों से है, मदद से बात ही है। लीजिए आप तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। अच्छा बाप पूरा न माने तो मैं एक बात कहूं, जो वाकयन उलमा होते हैं उन पर हमारी जाने को बात, मगर कुछ हमारे ऐसे होते हैं कि जो होते नहीं है कहे जाते हैं। देखिए बिल्कुल सच्चाई बयान कर रहा हूँ। हमारी कौम की एक सबसे बड़ी कमजोरी है इसे मिंबर पर बैठा देख रहे ये आलिम है। मिंबर पर आने वाला हर एक आलिम नहीं होता, कुछ आलिम होते हैं लेकिन कुछ सिर्फ जाकिर होते हैं। तो उलमा की अजमत बहुत ज्यादा है, मगर ये जो होते नहीं और
ये जो होते नहीं और कहे जाते जैसे हम जाकिर हैं आलिम नहीं मगर हमें दुनिया आलिम कहती है, तो ये जो होते नहीं और कहे जाते बड़े खतरनाक होते हैं। मैंने अभी मैंने वो जुमला तो कहा ही नहीं जो वाकई आपको खुश कर देगा। ये जो होते नहीं और कहे जाते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। आप चाहिए तो तजुर्बा करके देख लीजिए, किसी झूठे को सिद्दीक कर दीजिए, अपनी औकात भूल जाएगा, नबी के नाम से झूठी हदीस सुनाने लगेगा। सलावत भेजिए मोहम्मद, मगर लोग कहते हैं तो मैं हूं नहीं कहा जा। और इन कहे जाने वालों की एक पहचान बता रहा हूं, ये मौका मिल जाए तो फायदा उठाने से चूकते नहीं है, कौम जहन्नम में जाए इनका फायदा होना चाहिए। अब मैं आलिम तो हूं नहीं कहा जा रहा हूं, हमने देखा कि मेरठ वालों को अल्लाह का पढ़ाया नहीं, हमने सोचा मौके से अपनी फायदा उठा लेते हैं, हमने आवाज दी मेरे पालो जमा हो जाओ हम तुम्हें बताएंगे अल्लाह का पढ़ाया कौन है। अब सारा शहर जमा हो गया, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए कहां चला है अल्लाह का पढ़ाया। जब सब जमा हो गए हमने कहा बहुत बहुत से तुम हम बता रहे अल्लाह का पढ़ाया कौन है, सबने कहा जल्दी बताइए, हमने कहा वो कोई और नहीं है हम है हम है अल्लाह के। मौलाना चार मजलिस है क्या हमने पढ़ा लिया, आप अपनी हद से निकल गए, हम आपकी मजलिस में दिल पढ़ाने के लिए वाह वाह करते थे तो आप समझते कि आप इतने बड़े हो गए कि आप जो कुछ कहिएगा हम सब मान लें। हम आपको अल्लाह का पढ़ाया नहीं माने, हमने कहा क्यों ना मानिएगा, हमें पूरा कुरान में तर्जुमे के जबानी याद है, आपको कुरान जबानी याद है ना, आज से हम आपको हाफिज जी कहें। हमने कहा क्यों, कहा 99% आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, आप 70 के आसपास जीते हैं, तो 70 साल की उम्र में अगर कोई कुरान जबानी सुना रहा हो तो ये इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह का पढ़ाया, कहीं से पढ़ के आया बेवकूफ बना रहा। हमने कहा क्या हमारी उम्र 70 के करीब है, हमें कुरान जबानी याद है मगर आप अल्लाह का पढ़ाया तो मानेंगे, तो अगर हम 60 साल पहले यहाँ आए होते और आपको कुरान जबानी सुनाते तो आप मान लेते कि हम अल्लाह के पढ़े हैं, का तब भी न मानते, इसलिए कि 60 साल पहले भी आपकी कम से कम उम्र 10 साल जरूर रही होगी और अक्सर जहीन बच्चे 10 साल में भी हाफिजा कर लेते हैं। हमने कहा तो भाई एक बात बताओ, हम किस उम्र में तुम्हें कुरान सुनाए कि तुम हमें अल्लाह का पढ़ाया मान लो, पता नहीं आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं। मजमे ने आवाज दी मौलाना अगर आपको यही शौक है कि हम आपको अल्लाह का पढ़ाया माने तो फिर ऐसी उम्र में कुरान सुनाइए जिस उम्र में किसी से पढ़ा ना जा सके। ये है जिसे अपने
जिस उम्र में कोई किसी से पढ़ नहीं सकता। और एक जुमला और कहूं, ऐसी जगह से आके सुना रहा है जहां कोई पहुंच नहीं पाया। देखिए ये मेरी जहनी परवाह थी कि मैं आपको वहां तक ले आया जहां अल्लाह का पाक मिले। मगर हो सकता है कोई बेदीन हो जो ना भी न माने, तो मैं कुरान से साबित करता हूं कि अली को अल्लाह ने पढ़ा के मिले। आप बहुत तवज्जो दीजिए। देखिए हमारे घरों में सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, फिर कुछ दिन का जब हो जाता है तो बोलना सीखता है, और जब बाकायदा बोलने लगता है तब उसे पढ़ाया जाता है। यही तकलीफ तो होती है, पहले पैदा हुआ, फिर साल दो साल के बाद जब बोलना सीखा उसने, फिर एक आध साल गुजरे जब कायदे से बोलने लगा तब उसे पढ़ाया जाता है। पहले पैदाइश, फिर बोलना, फिर तालीम, यही तो है ना। अब जरा कुरान पढ़िए, यही सूरह रखिए, अल्लाह का अल्लमा कुरान, हमने कुरान पढ़ाया, खलकल इंसान, कुरान को पढ़ाते इंसान को पैदा किया, अल्लमा और बयान, और जब पैदा कर दिया तो वो बयान। इसका मतलब है कि मेरा मौला अली वो है जिसे अल्लाह ने पढ़ा के, तब नबी ने कहा इल्मे कुरान हासिल करो, तो अल्लाह से डायरेक्ट ले नहीं सकते, जाओ अली के पास। अच्छा अली से इल्म हासिल करना तो उन्हें उस्ताद मानो, अपने को शागिर्द कहो। और एक बात याद रखे, शागिर्द अगर उस्ताद से इल्म चाहता तो मोहब्बत से इल्म मिले, एहतराम से मिलेगा, शराफत के साथ मिलेगा। अगर लड़ाई झगड़ा करोगे कभी इल्म ना मिलेगा। तो फिर मैं एक जुमला कहता हूँ, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको अली से इल्म कुरान मिल सकता है, इसलिए कि आपके रिश्ते अली से बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोग अपनी तकदीर का मातम करें जो अली से झगड़ा करके बैठे। चलिए एक इल्म की बात होगी, दूसरा इल्म देखते, दूसरा इल्म जो मेरे नबी ने वाजिब किया वो है इल्म हदीस। हदीस के लफ्जी मानी है बयान की हुई बात, कही हुई बात। क्या माने हैं हदीस के? कही हुई बात, बयान की हुई बात। तो अगर हर एक की कही हुई बात हदीस है तो फिर जो मैं कह रहा हूं मेरी हदीस। अब बताइए आप ऐसे कोई है जो कल कहे रसूलुल्लाह की यह हदीस, मौला अली की यह हदीस और रिजवान साहब की यह हदीस, कोई कहेगा? नहीं कहेगा। इसका मतलब हदीस के लफ्जी माना कही हुई बात है, हकीकी माना कुछ और। अब हकीकी माना तो आप खुद बता देंगे। इधर हमने कहा लफ्ज हदीस, ईमानदारी से बताइए आपका जहन मासूमी की तरफ गया कि नहीं? इसका मतलब है कि कहीं भी बात हरे की नहीं, हदीस का मतलब है मासूम की कहीं भी बात। जो अब
ये जो रसूलुल्लाह ने कहा ना कि इसमें हदीस हासिल हो, उसका मतलब यह था कि जो मैं कह के जा रहा हूं उसका इल्म हासिल करो। अब सवाल यह है कि ये नबी की कही हुई बात को कई मैं कौन दे, नबी तो कह के चले गए कि हम जो कह के जा रहे हैं उस बात को कहीं हासिल करो, तो मैं नबी की कही हुई बातों का हमें कौन देगा? मैं बताऊं कौन देगा? देखिए हम जब मिंबर पर आए तो जितने लोग अब हैं इतने उस वक्त थे, कोई 5 मिनट के बाद आया, कोई 10 मिनट के बाद आया, कोई 15 मिनट के बाद आया, होता है ऐसा हर जगह। अब मान लीजिए एक बेचारा है जो किसी वजह से आ ही नहीं पाया, मगर उसे फिक्र है कि रिजवान साहब ने पढ़ा। अब जब मजमा यहां से निकलने लगा तो उन्होंने एक साहब का बाजू पकड़ लिया, भाई आप मस्जिद गए थे? कहां गए थे? कहा ये बताइए रिजवान साहब ने आज पढ़ा? तो उनका जब हम पहुंचे तो वो ये बात कहे, उसने फौरन सवाल किया हम पहुंचे क्या मतलब? अरे भाई हम कुछ काम में फंसे थे, थोड़ा सा लेट हो गए 10 मिनट के बाद। तो कह इसका मतलब तुमने पूरी तकरीर नहीं सुनी? कहा ये बात तो सच है कि हमने पूरी नहीं सुनी। तो उसने कहा तुम हमारे लिए बेकार हो, जब तुमने पूरी सुनी ही नहीं तो बताओगे? अच्छा एक साहब वो थे कि जो हमारे आने से भी पहले तुम्हें थे, तो आप तो इन्होंने तो जैसे ही हमने शुरू किया पूरी सुन गए ना। मगर जनाब मुसीबत आ गई, आधा घंटा हुआ था, एक बच्चा इनके घर से आया, उस चुपके से हंसते उसने कान में कहा पापा अम्मी बोली। अब तब तक जमीन उलट सकता है ये बैठे नहीं रहे, अगर बैठे रहेंगे तो कल से होगा पानी बंद, हमने बुलाया है नहीं। तब ये तो गए, अब ये उससे मिल गए जो बेचारा नहीं आ पाया था, उसने इनका बाजू पकड़ा, सुनो मस्जिद गए थे? कहा गए थे? कहा ये बताओ रिजवान साहब ने पढ़ा? कहा जब तक हम रहे तब तक उन्होंने ये पढ़ा। उसने कहा जब तक रहे क्या मतलब? अरे अभी बहुत जरूरी काम आ गया था, 20 रुपये चले। कहा इसका मतलब तुमने पूरी तकरीर नहीं सुनी? कहा पूरी तो नहीं सुनी, तो तुम भी हमारे लिए बेकार हो, जब पूरी सुनी नहीं तो हमें क्या सुनाओगे? नबी ने कहा इल्मे कुरान हासिल करो, इल्मे हदीस हासिल करो। अब ये इल्मे हदीस कौन देगा हमें? वो नहीं दे सकता जो 40 साल के बाद ईमान लाया, जब आया ही ले। तो नबी ने इनके आने से पहले क्या कह दिया ये पता ही नहीं, और वो भी नहीं दे सकता रहता है। तो एक कहावत कही जाती है बिल्कुल साए की तरह साथ रहता है, हमें इल्मे हदीस लेने के लिए नबी का वो साथी भी नहीं चाहिए जो साए की तरह साथ रहता है। क्यों? साया उजाले में साथ रहता है, अंधेरे में साथ नहीं रहता। हमें नबी का वो साथी चाहिए जो उजाले में भी नबी के साथ है, अंधेरे में और ईमान की कथा में ये बताओ इसमें यार पर अली के अलावा कोई आता? इसका मतलब ये है कि पैगंबर की हदीसों का इल्म भी हमें मिलेगा तो अली से। कुछ लोग हैं जो ऐसा भी मानते हैं कि नहीं अजवाज से भी मिल सकता है, असाब से भी मिल सकता है। मैं नहीं मानता। क्यों? अजवाज घर में और इन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। तो नबी ने बाहर क्या कह दिया? इन्हें क्या मांगा? साहब से पूछ लिए, वो तो बाहर हैं। कहा साहब बाहर हैं, मगर इन्हें नबी के घर में जाने की इजाजत नहीं है।
इनसे अल्लाह का डायरेक्ट हूं मैं, जब बहुत जरूरत हो तो बहुत थोड़े से वक्त के लिए अंदर जाना तो थोड़े से वक्त के लिए अंदर गए फिर बाहर आ गए। अब नबी घर के अंदर क्या कह रहे हैं, क्या मतलब। अच्छा एक बात और है, मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सब हमारे सामने बैठे सुन, आप बाहर निकले और एक साहब ने कहा आपने पूरी तकरीर सुन लिया, आपने कहा हमें सुनाइए, हमें सुनाइए क्या पढ़ा है। दावा है जितनी लफ्ज़े मैंने इस्तेमाल की वो लफ्ज़े आपको याद नहीं रहे, जितने हमने जुमले बोले हैं वो आपको सब याद नहीं रहे, कुछ ना कुछ चेंज जरूर हो। इसलिए कि अल्लाह ने वो हाफिजा दिया ही नहीं कि किसी की तकरीर सुन के लफ्ज़ बल याद कर लिया। एक साहब ने कहा कि आपको रिजवान साहब की बिल्कुल ओरिजिनल तकरीर चाहिए। उनका भाई हम यही तो पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा वो, तो उनका इनसे मत पूछिए, वो फला एक बच्चा है 15-16 साल का, हमने देखा था जब मौलाना तकरीर कर रहे थे तो वो इतना बड़ा कुछ लेके क्यों बैठा हुआ। आप उस बच्चे के पास चले जाइए, वो आपको बिल्कुल ओरिजिनल सुनाएगा। अब अगर आप उस बच्चे के पास चले गए, मैं जुमला कह रहा हूं पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं, आप उस बच्चे के पास चले गए हमें ओरिजिनल तकरीर सुनाओ, अब मेरठ के सारे बुढ़े नाराज हो जाए कि हमारे सामने लड़के से क्यों पूछा, तो वो यही तो जवाब देगा हमने इनसे नहीं पूछा कि जो बच्चे से मिल गया कुत्ते से नहीं मिला। अरे भाई जब फिका कुरान और हदीस के निचोड़ का नाम है तो जिसके पास कुरान और हदीसें होगी वही तो फिका देगा। तो सीधी सी बात, कुरान है अली के पास, हदीस है अली के पास, तो मुझे कहने कहा था कि जब कुरान और हदीस अली के पास है तो जो फिका अली से ली
ली जाए वो फेंका इस्लामी है, और अगर किसी और दरवाजे से ले ली तो ये फेंका इस्लामी कहीं तो जाएगी, होगी नहीं। और ये मेरा दावा है कि बादे रसूल कोई ऐसा था ही नहीं पूरी उम्र में जिसके पास पूरा पूरा कुरान महफूज था। क्या आप तारीख के इस बात को भूल जाएंगे कि तख्त पर बैठने वाले ने ऐलान किया था, हुक्म दिया था, कुरान जमा था, कुरान जमा था। अगर महफूज होता किसी के पास तो जमा करने का हुक्म नहीं था, और उसके पास है वहां से ले आओ, एक कापी है हजार कापी है उसी से बनवा लें। मगर नहीं, हुक्म दिया गया कुरान जमा करो। तो आपको बताऊं कैसे जमा हुई, जो कुरान आप पढ़ते हैं ये चंदे से जमा हुआ है। देखिए लक्ष्य आदत को अच्छा नहीं लगा कुरान, मगर मैं साबित कर देता हूं कि कुरान चंदे से जमा हुआ। मान लीजिए आपको एक शानदार मस्जिद या इमामबाड़ा बनवाना है और आपके पास करोड़ों रुपया नहीं है कि बनवा सके, तो आप ऐलान करेंगे भाई ये फला जगह हमें हमारा या मस्जिद बनवाना चाह रहे हैं, आप लोग ताबुन कीजिए। किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20,000, किसी ने 1,00,000। अब जब 1 करोड़ हो गया तो आपने बनवा दिया ये मस्जिद इमामबाड़ा, चलते थे। जब ऐलान हुआ कुरान जमा करो तो लोग चले, एक एक को पकड़ के पूछते थे कोई आज याद है, कहा एक याद है, कहा दो, उनके पास पहुंचे कुछ तुम्हें याद है, कहा एक सूरा याद है, कहा लिखवाओ। तो ऐसे जगह जगह से लोगों से ले ले के लिखा गया, तो ये कुरान चंदे से नहीं तोड़ गया, ये कुरान चंदे से जमा हुआ। बदनसीब थे वो मुसलमान जिन्हें अली ने कहा हम लिख के दे, जब लिख के मुकम्मल कर लिया तो तारीख बता दी ऊंट के ऊपर लादा अली और मस्जिद नबवी तक ले गया। यहां कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने देखा अली कुछ ऊंट पर लाद कर लाया, कहा अली ये क्या है इतना सा। अली ने कहा ये कुरान है, हमने लिखा है इतना कुरान। अरे कुरान लिखा जाए तो इतनी बड़ी किताब होती है, ऊंट पे लाद के लाया इतना कुरान। तो मौला जी फरमाया कि इसे कुरान कहते थोड़ी तर्जुमा भी का जानी तब भी ज्यादा है का तफसीर भी, क्या अली कुछ और भी है, कहां नासिख और मनसूख आयतों की तफसील भी, याली कुछ और हो तो वो भी बता दीजिए, का इसमें हाशिया भी है। अब सब घबराए, का कुरान की आयतें तर्जुमा तफसील नासिल मंसूख आयतों की तफसील, ये बात तो सब समय में आ गई, ये हाशिया क्या है। अली ने कहा हाशिए में हमने ये लिख दिया है कि कौन सी आयत किसी मजहब में आई है और कौन सी आयत किसी मजम्मत में आई है। ये सुनने वाले अगर चुप रह जाते शायद इज्जत बची रह जाती, मगर ये हड़बड़ा के खड़े हो गए, ये अली हाशिए में अपना कुरान ले जाओ हमें नहीं चाहिए। तो मौला अली ने भी बहुत सीधे साधे कह दिया ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए तो लेकर वापस जा रहे, मगर इतना सुन लो अब ये मेरा लिखा हुआ कुरान तुम लोग उससे पहले न देख पाओगे जब तक मेरा आखिरी वारिस पर बन गया, मेरा आखिरी वारिस आएगा तभी ये कुरान तुम्हें देखने को, आज के बाद ये दिखाई नहीं। अली कुरान लेके लौट आए, इतना शरीफ बंदा तो खुदा कोई मिलेगा जिसने मुसलमानों की हाजत की बुनियाद पर इंतहाई मेहनत करके पूरा मस्जिद जमा करके दिया, मगर इन लोगों ने कहा नहीं दे। तो अली तो इंतहाई शरीफ से जब लोगों ने कह दिया नहीं लेंगे तो ये अपना कुरान लेके वापस आ गए, मगर ऊपर बैठे अल्लाह ने मटा देखा मुसलमानों लानत हो तुम पर, अली ने इतनी मेहनत करके कुरान लिखा तुमने उससे लेने को मना कर दिया, तो वो तो मेरा बड़े शरीफ बंदा था जो उसने पलट के तुमसे कुछ ना कहा, मगर हम हैं अली के खुदा, तुमने अली की मेहनत पर पानी फेरा है, अब अगर हमने तुमसे बदला न ले लिया तो हम अली के खुदा नहीं है, तुम्हें कुरान चाहिए था, अली ने दिया नहीं दिया।
गुलाम हूं। कुरान का अली के अलावा कोई मुखी नहीं पाया, पूरा एक साथ एक खाबा है, पूछ पूछ के मांग मांग के ये कुरान लिखा गया जो हमारे पास है। तो इसका मतलब कुरान तो किसी के पास है ही नहीं। अब कुरान में आयतें कितनी हैं कोई बोलेगा? जी 6666। देखिए छोटा सा बच्चा बैठा है, दावा है मेरा आज के बाद ये कुरान की आयतों की गिनती भूलेगा नहीं। मैं बच्चों को कुरान की आयतों की गिनती याद करने का तरीका बता रहा हूँ। हो सकता है बुजुर्ग कोई भूल जाए, ये बच्चा आज के बाद नहीं भूलेगा, जब पूछेगा वही बताएगा जो मैं बताना था। आजकल टेलीफोन बहुत जोरों पर है ना मोबाइल। हमने पूछा था भाई आप अपना नंबर बताए, उनका 666-99-33 होते हैं ऐसे नंबर? नहीं होते हैं। आपका नंबर का 444-33-55-66 बच्चे को बता रहा हूं कुरान में कितनी आयतें हैं। 666-66 अब आज के बाद इम्तिहान लेके देख लीजिएगा, किसी बच्चे से पूछेगा फट से बोलेगा कुरान की आयतें 666-66। तो जितनी कुरान की आयतें हैं उसकी कई गुना पैगंबर की हदीसें हैं। मसलन कुरान की आयतें 6666 तो हदीसें 60 मसलन कह रहा हूं, सही गिनती नहीं बता रहा। लेकिन कुरान की आयतों से बहुत ज्यादा नबी की हदीसें हैं। तो जिसे 6666 आयतें न याद होगी उसे 60,000 हदीसें क्या याद होगी? सिर्फ मेरा मौला है जिसके दिमाग में वो मोबाइल फिट है जो कभी मिस कर सही इसे सारी हदीसें याद है। तो फिका कुरान और हदीस का निचोड़ ही तो है। तो इसका मतलब फिका का इल्म भी सही इल्म अगर है तो वो भी अली से मिलेगा। कुरान का इल्म मिलेगा अली से, हदीसों का इल्म मिलेगा अली से, फिका का इल्म मिलेगा अली से। अब मैंने तकरीर खत्म कर दी, मैं एक जुमला सुन लीजिए। मेरे नबी ने कहा कुरान का इल्म हासिल करो आलिम हो, हदीस का इल्म हासिल करो आलिम हो, फिका का इल्म हासिल करो आलिम हो। यानी ये इल्म जिसके पास होंगे वही होगा आलिम। और कुरान का इल्म मिलेगा अली से, हदीस का इल्म मिलेगा अली से, फिका का इल्म मिलेगा अली से। तो जिससे अली के रिश्ते अच्छे हैं उन्हीं को तो इनका ये इल्म मिलेगा, और जिसके अली से रिश्ते अच्छे नहीं है तो ना उसे कुरान का इल्म मिलेगा, ना हदीस का इल्म मिलेगा, ना फिका का इल्म मिलेगा। बहुत सादा सा जुमला। तो जिसके दिल में बुक्स अली आए वो कुछ हो जाए आलिम नहीं हो सकता। बुग़्ज़े अली रखने वाला कुछ बन जाए आलिम नहीं बन सकता, जिससे मिलना उससे झगड़ा करके बैठे। तो जब उससे झगड़ा किया तो उससे इल्म मिलेगा ना, यही इल्म आलिम बनाते हैं। अब अगर कोई गए आलिम के जमाने जानने वाले को देखो, जरूरी नहीं कि यही इल्म हासिल करें, अब दूसरा इल्म हासिल कर लेंगे। तो हम कहें उसका जवाब हमारे पास है कि अगर हर जानने वाले को आलिम कहते हैं तो जेब कतरे को भी तो जेब काटने का हुनर आता है, मानोगे उसे आलिम? वो भी तो कुछ जानता है, जब तो इतनी सफाई से काट लेके आए जेब आपकी कि आपको पता ही ना चला पैसा निकल गया, तो जानता है कि नहीं आलिम? कौम जूते मार मार के कौम से बाहर निकालते, बस एक घंटे से ज्यादा हो गया वैसे ही पहुंचे। जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद अक्सर एक बात कहा करते, ये अफगानी पठान जो होते हैं सादात की बड़ी इज्जत करते हैं,
तो बताते थे कि अगर कोई सैयद इनके बीच में पहुंच जाए तो उसे वापस नहीं आने देंगे। कहते हैं ये बरकत है, हम अपने बीच से जाने न देंगे, और अगर उस सैयद ने जिद की कि नहीं जाएंगे तो वही गोली मार के दफना लेते थे कि बरकत यही थे। मुझे नहीं पता था कि अफगानियों का मिजाज मेरा नहीं है, गरीब सैयद को मारने अभी कल भी पढ़ गया, जो कुछ रह गया कल सुन। सिर्फ मौला अली के पास सारे उलूम नहीं, पैगंबर की हदीस अव्वल ना मोहम्मद वाओ सतो ना मोहम्मद और कुल ना मोहम्मद, यहां सब एक जैसे। जहालत उस घर के करीब से भी नहीं मिली। अच्छा, आपके सामने थोड़ा सा कोई पढ़ के आ गया, इतनी इज्जत करते हैं, हाथों को चूमते हैं, जब तक वो बैठ ना जाए तब तक आप खड़े रहते हैं, ये तरह पे भी तो है। थोड़ा सा इल्म जिसके पास आ गया उसका इतना एहतराम, और जिस घराने के अफराद के पास कायनात का इल्म था उनके साथ क्या हुआ। जो करबला में मारे गए उनके मजालिम आप रोज सुनते, आज जरा मुझसे उस इमाम की सुनो जो जिंदा बचा बीमारी यजीद मलून को, जब आले मोहम्मद से यह खतरा महसूस होने लगा कि अगर ये मेरे तय खाने में कैद रहे तो नौहा पढ़ पढ़ के पूरे शाम को हुसैन का ज़ादार बना देगा, तो इस मलून ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए आले मोहम्मद को रिहा करने का इरादा किया। मेरे बीमार इमाम को कैद खाने से दरबार एक लोहार बुलाया, इनकी हथकड़ियां बेड़ियां तो सब काट, सीने में दम हो तो सुन। जब इस मलून लोहार ने, ये दीदी लोहार ने हथकड़ी काटी तो कलाइयों का गोज जल, सोच रहे हो शायद कि मैंने किस बुनियाद पर कह दिया ये? ये तो आपने सुना है कि सहरा इतना तप रहा था कि दाना गिरे तो भूल जाए, तो सहरा का सहरा में दाना गिर के तभी भूलेगा जब टेम्परेचर 100 से ऊपर। इसका मतलब जिन सहरा से मेरा मौला गुजरा है वहां टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर था, तो फिर जुमला याद रखना मेरे मौला की लोहे की हथकड़ी और पेड़ी लोहे के नहीं अंगारे की बन चुकी। कलाइयों की गोद चल गया, और जब उसने पेड़ी निकाली तो पैरों की हड्डियां तक सुलग गई। नहीं, आप जो जुमला कहने जा रहा हूं पर आप सब पीट करोगे। उसने हथकड़ी काटी, जली हुई कलाई देखी मगर रोया नहीं, बेड़ी काटी, सुलगी हुई पैर की हड्डियां देखी मगर रोया नहीं, मगर जब उसने तौब निकाला तो सफी कर रोया। जब उससे किसी ने पूछा कि तूने हथकड़ी निकाली नहीं रोया, बेड़ी निकाली नहीं रोया, हथकड़ी निकाली तो रोया क्यों, तो उसने सीना पीट दिया। क्या मेरी समझ में नहीं आता इस जवान के सीने में दिल कैसा है, इसने ऐसे तौब को छेला कैसे जिसके खारों ने इसे संभाल कर दिया। अब मैं हाथ जोड़ के मौला हुसैन से एक बात करना चाहता हूं। मेरे आका, मैंने किताबों में पढ़ा है शिमर ने आपके गले पर 70 मरतबा खंजर किया,
मगर 70 मरतबा खंजर चलने में कितना टाइम लगा होगा? अरे बहुत से बहुत 1 घंटा। हाय मेरा इमाम, ए मेरे आका हुसैन, आपकी तकलीफ 1 घंटे में खत्म तो हो गई, मगर हाय मेरा चौथा इमाम 1 साल से ज्यादा ये टॉकले में रहा। क्या मतलब? मेरा चौथा इमाम 1 साल तक सभा हो। यहाँ शहजादी ज़ैनब मुसल्ला बिछाए हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे, मेरे मालिक मेरा लाल कातिल के दरबार में गया, भैया मेरा मुझे अपनी दो अमानतें देके गया था, एक सकीना एक सज्जाद। हाय ज़ैनब सकीना को न बचा पाई, ए मेरे अल्लाह मुझे इज्जत, मेरी इज्जत रख ले, कहीं सज्जाद को कुछ हो गया तो हुसैन को क्या जवाब। बस अभी शहजादी जो आप मांग ही रही थी इमाम के खाने में वापस फूफी को दुआ मांगते देखा करीब, फूफी अम्मा आंखें खोली, आपकी दुआ कबूल हो गई, मैं जिंदा वापस आ गया। अब हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ औलाद वालों से, जो जुमला कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुन लेते। जैसे इमाम ने आवाज दी शहजादी ज़ैनब ने आंखें खोली, सर से पैर तक भतीजे को गौर से देखा और देखने के बाद शहजादी फरमाती, मेरे लाल ये तेरी हथकड़ी और बेड़ी और तौब क्या हुआ? इमाम ने फरमाया, फूफी अम्मा हम रिहा हो गए, मेरी तरफ देख के जुमला सुनो। इमाम ने फरमाया, फूफी अम्मा हम रिहा हो गए, बच्चा ही सही लफ्ज रिहाई ज़ैनब ने सुना, एक छोटी सी कब्र देखी और एक जुमला कहा, हाय अब रिहाई मिली जब मेरी सकीना मर गई। कैदखाने में कयामत आ गई, हर कोने से की आवाज आ रही थी, हाय सकीना। कर्बला जाइए चाहे मदीना जाइए, जो आप फैसला करेंगे वही लाल, अगर फैसला मेरे ऊपर है तो ज़ैनब कहीं नहीं जाएगी, यदि सको हमारे लिए मकान खाली करें, हम अपने भैया की फर्श अदा बिछाएंगे, हम अपने भैया का दिल खोल कर मातम करेंगे। अभी ज़ैनब दिल खोल कर रोई, जुमला कह रहा हूँ, पूरी कौम में छब्बेदारियां होती हैं, हर शहर में होती हैं, हर कस्बे में होती हैं, हर देहात में होती हैं, मगर जो छब्बेदारी होती वो एक रात में। अगली सुबह के बाद हर रात का जागने वाला लेके सोता हूँ। मैं तुम्हें बताऊं, ज़ैनब ने छब्बेदारी कैसी की, मकान खाली हुआ, ज़ैनब ने फट से आधा बिठाया, 7 दिन तक के मातम के बाद मेरी शहजादी ने अपने भतीजे सज्जाद के जरिए फरमाइश और की, बेटा सज्जाद यजीद से पास कहलवाओ, हमारे शहीदों के सर हमारे। इमाम ने कहलाया, अब यजीद ने मजाल नहीं है कि जो शहजादी कहे।
इमाम का पैगाम पहुंचा, उसने सर भेजना शुरू किया सारे सर, मगर मैं सिर्फ एक सर का बयान करूंगा। सबसे आखिर में मकान के दरवाजे पे एक आवाज आई, वीडियो अलमदारे लश्करे हुसैनी अब्बास का सर, बहुत रोई है। सारी बीबियां अपने मकाम पर खड़ी हुई, सर घर में दाखिल हुआ, जैसे ही सर आगे आया ज़ैनब दौड़ी, अरे मेरा भैया, दौड़ के अब्बास के सर को हाथों में लेकर सीने से लगाया, मेरे शेर भाई, मेरे वफादार भाई, आंखें खोलो जरा मुझसे बातें करो। अब्बास के आंखों से आंसू शुरू हो गए, लबीले शाहजादी ये लायक नालायक गुलाम आपसे बात करने लायक नहीं रहा, अरे आपकी चादर छिन गई, मैं कुछ ना कर पाया। मैं किस मुंह से आपसे बात करूं? शाहजानियों ने अब्बास के सर को अपने घेरे में, कोई अपना बाजू देकर ही अब्बास तुम्हारे बाद मेरे बाजू में रस्सी बांधी गई, कोई अपनी पीठ दिखा रही है, अब्बास तुम्हारे बाद में पीठ पर तादियाने मारे गए, अब्बास के सर के साथ फिर एक बड़ा कयामत आई, गजब का मातम हुआ, गजब का गिरिया हुआ। अच्छा दारो आप इसके बाद एक मरतबा फिर आवाज आई दरवाजे पर, बीबियों बादब होके खड़ी हो जाओ, इमाम जमाना सैयद सज्जाद अपने चचा से मिलने। अब जो बीबियों की निगाह दरवाजे पर गई, तो बीबियों ने क्या देखा? एक बूढ़ा इंसान, हाय हाय, अरे मैंने क्या कहा, अरे जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी कमर झुकी हुई, एक हाथ से कमर पकड़े है, एक हाथ से दीवार पकड़े हुए, हर कदम पकड़ रहा, या अली मदद, या अली मदद। ज़ैनब बेकरार हो गई, ये मेरे ला तेरे पैर इतने जख्मी है कि तू चलने के लायक नहीं है, अरे तू यहाँ जो आ गया। इमाम ने कहा बुबी अम्मा, मुझे चचा के सर को लेकर एक फरीजा लाइए, मेरे चचा का सर मुझे दीजिए। शहजादी ने भाई का सर भतीजे के हवाले कर, ज़ैनब ने सर भतीजे के हवाले। रावी कहता है बती ने चचा को मुंह पे मुंह रखा और पता नहीं क्या कह दिया, चचा भी रोया, भतीजा भी रोया, थोड़ी देर दोनों मिल के रो गए। इसके बाद मेरे इमाम ने चचा के चेहरे से अपना सर उठाया। अब घूमे शहजादी तैनात, वो भी अम्मा ये बताइए बाबा के बाद मैं किस मकाम पर हूँ? शहजादी ने कहा मेरा लाल तुम इमाम जमाना हो। कभी अम्मा एक बात हो बताइए, इमाम जमाना कोई हुक्म दे दे तो अमल वाजिब है कि नहीं? कहा बेशक बात है। कहा जब तक मेरा बाबा, जब से मेरा बाबा शहीद हुआ मैंने आपको कोई हुक्म नहीं दिया। कहा बेटा नहीं दिया। कहा मगर आज एक हुक्म देने जाए, आप घबराइए नहीं, इतनी आवाज है कि मैं सबको सुना, अपनी जगह पर सब लोग बैठे रहे। कहा भी अम्मा आज मैं आपको एक हुक्म देने जा रहा हूँ, मेरे पैरों में इतना दम नहीं है। भी अम्मा आप मेरा बाजू पकड़ के बुला दे, लेकिन एक भी ये बाहर चलते इमाम कह रहा हूँ, रास्ते में कोई सवाल न कीजिए, रास्ते में मुझसे कुछ पूछिएगा नहीं, कहाँ जा रहा हूँ। इमाम को अपने मकान से निकले, बाहर निकले, ज़ैनब भी बाहर निकले, इमाम चले आगे, चले एक गली पर मोड़ गए,
زینب بھی بازو پکڑے ہوئے گلی میں مڑ گئے, امام دوسری گلی میں گھوم گئے, زینب بھی ساتھ ساتھ دوسری گلی میں گھوم گئے, نہ جانے کتنی گلیاں پار ہو گئی. سید سجاد چلتے جا رہے ہیں, زینب بازو پکڑے ساتھ چل رہی ہے, پوچھنے کی اجازت نہیں, زینب خاموش مگر دل میں طوفان ہے. یہ میرا لال اپنے چچا کے سر کو لے کے جا کہا رہا ہے, مگر عزاداروں ایک مرتبہ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا. کیا دیکھا سید سجاد چچا کا سر لے کے قید خانے کے دروازے پار کر. اے سکینہ بہت چچا کو یاد کرتی تھی, لو چچا گئے, اٹھو باتیں کرو. یہ کہہ کے سر عباس قبر سکینہ پہ رکھا, سکینہ کی قبر ہلی, اندر سے آواز آئی, اے چچا واہ غربتا, واہ محمدا, واہ